ये हमारा प्रोजेक्ट है रफी ग्रुप का, ग्रीन पाम हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम से। सही है। ये है हमारी मेन कोस्टल हाईवे, ये आ रही है टूवर्ड्स कराची और ये जा रही है टूवर्ड्स ईरान। ठीक है। इसमें हमारे पास 1065 एकड़ की जगह है जिसकी NOC हमारे पास मौजूद है। ऑल्दो की ज़मीन तो हमारे पास ज़्यादा है, ज़मीन है हमारे पास तकरीबन 3000 एकड़ की, लेकिन जो NOC हमने अभी तक अप्लाई की है, जो हमें NOC मिली है वो है 1065 एकड़। ठीक है। इसमें ये पूरा प्रोजेक्ट जो आपको नजर आ रहा है 1065 एकड़ पे मुहित है। ठीक है। ठीक है। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट अभी तक हम लॉन्च कर चुके हैं। ये जो आपको पूरा जो ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, दूसरा ये ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से लेकर इस जगह तक, ये पूरा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपका भी प्लॉट था। ठीक है। ये है ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट पूरा, ये एल शेप में यहाँ तक, ये पूरा ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट। ये बाबे मदीना, ये बाबे मदीना है, ये मेन एंट्रेंस है, मेन कोस्टल हाईवे के ऊपर मेन एंट्रेंस। दूसरी एक एंट्रेंस एक और भी है, ये है कहान एवेन्यू पे, जो कि बीच की तरफ जा रही है, मरीन ड्राइव की तरफ। यहाँ से मरीन ड्राइव तकरीबन 6 किलोमीटर है। सही, सही। और अगर यहाँ से हम पोर्ट की बात करें मेन एंट्रेंस से, तो तकरीबन 28 किलोमीटर है पोर्ट, जो कोहे बातिल वाली पोर्ट, जो चाइना का जो फ्री जोन वाला जो पोर्ट है, वो यहाँ से तकरीबन 28 किलोमीटर है। अगर एयरपोर्ट की बात करें, नया एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है वो भी यहाँ से तकरीबन 28 किलोमीटर है, 27-28 किलोमीटर ही है। ठीक है ना। और ये जो मेन कोस्टल हाईवे है, जितनी भी रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं गवातर में, वो इसके लेफ्ट राइट पर ही है। मेन रोड ये मेन रोड यही है। फ्यूचर का जो M10 है वो यही है, यही तक आएगा, ईरान तक जाएगा M10, जो मोटरवे से बन रही है। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे प्रोजेक्ट की खास बात क्या है कि ये जो मेन रोड है आपका, ये सीधा जाके क्लोज होता है चाइना का जो फ्री जोन, जो 2300 एकड़ पे मुहित है, वो वहाँ तक जाके ये उसका क्लोजिंग वहाँ पर होती है इस रोड की, वहाँ से डिवाइड हो जाता है, एक गवादर सिटी के अंदर जा रहा है, दूसरा कराची की तरफ जा रहा है। तो ये जितने भी चाइनीज यहाँ पे वर्कर्स आएंगे काम करने के लिए, उनको जो रहने के लिए जगह चाहिए, वो इन्हीं जो कोस्टल जो हाईवे है इसके अतराफ में जितनी भी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं वही प्रोवाइड करेंगी। और यहाँ से वो जो चाइना का फ्री जोन है वो तकरीबन 12 मिनट की ड्राइव पर है। सर, वो रोड जो बाहर की, ये बाईपास रोड है क्या? बाईपास रोड तो बाईपास रोड तो नहीं है, लेकिन ये जो जीरो पॉइंट है इससे कनेक्ट होते हुए पीछे वो अंकारा डैम की तरफ जा रहा है वो। अच्छा, ठीक। वो गवादर से बाहर की तरफ जाता है वो, फ्यूचर में वो जगह भी बहुत अच्छी होगी। तो एक एंट्रेंस इसलिए हमने वहाँ से भी रखी है, वो आप देख रहे हैं पीछे, हाँ ये जगह, एक एंट्रेंस हमने यहाँ से भी रखी है। लेकिन ये जो ब्लॉक है हमने अभी लॉन्च नहीं किया है, हमारा फेज टू है, फेज वन वो है सारा, जिसमें हमारे पास तकरीबन 9000 प्लॉट्स हैं, जिसमें से 5000 प्लॉट्स इसमें थे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में, हम बेच चुके हैं। ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट हमने अभी लॉन्च किया है। ठीक है। ये हम अभी बेच रहे हैं, इसका पेमेंट प्लान आपसे शेयर हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। हमने ये वैसे प्लॉटों की कटिंग तो होगी, मैं बता रहा हूँ आपको, हमने उस तबके को मद्देनजर रखा है जो कि आसानी से मैनेज कर सके। किस्तें जो इसकी 8,350 रुपये से स्टार्ट हैं, जो कि 80 गज के प्लॉट की कीमत है। 80 गज का मतलब है 3.2 मरला। सही। हमारे पास 3.2 मरला है, हमारे पास 125 गज या 5 मरला है, हमारे पास 7 मरला या 175 गज है, हमारे पास 10 मरला या 250 गज है, हमारे पास 14 मरला या 350 गज है। ये तो हो गया आपकी रिहायशी कैटेगरी। सही। कमर्शियल कैटेगरी में हमारे पास 2.66 मरला या 66 गज है, और दूसरा 4 मरला या 100 गज है। ठीक है। लेकिन कमर्शियल में मेरे पास इन्वेंट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ठीक है। रेजिडेंशियल की मैं आपको रिस्पेक्टिवली 80 गज से शुरू करता हूँ, और उसके साथ साथ उसकी कीमतें ही बताता रहता हूँ। 3.2 मरला की जो कीमत है वो है 7,20,000 रुपये। सही है। 5 मरला की जो कीमत है वो है 11,25,000 रुपये। 7 मरला की कीमत है 14,58,000 रुपये। 10 मरला की कीमत है 20,00,000 रुपये। और 14 मरला जो है उसकी कीमत है 25,60,000 रुपये। तो ये इंस्टॉलमेंट पे है ना सारा? सारे इंस्टॉलमेंट में, 4 साल की इंस्टॉलमेंट है। सही। ठीक है। डाउन पेमेंट आपने 10% अभी इस महीने, 10% आपने नेक्स्ट मंथ, उसके बाद आपकी 4 साल की इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती है। बीच में कोई हिडन चार्जेस नहीं है। एक दफ़ा आपने बैलेटिंग की अमाउंट देनी है, 10% वो है, और साल में एक दफ़ा कुछ अमाउंट होती है जो हमने रखी हुई है, उस साल में बहुत मुख्तसर सी अमाउंट है, वो भी आप समझ लें कि आपकी एक इंस्टॉलमेंट 2 दफ़ा जाएगी। सही होगा। तो इसमें वो यूनिवर्सिटी वगैरह भी मंगी? यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल, वो इतने हैं कि मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि ये इसमें सिर्फ स्कूल कॉलेजेस ही हैं, यूनिवर्सिटीज ही हैं। देखिए, एक कॉलेज ये है, ठीक है, आप कुछ जगह ये कॉलेज है, फिर यहाँ पे ये स्कूल, फिर आप ये देखें ये हॉस्पिटल, ये स्कूल कॉलेज,
वो क्लब या इसको कम्युनिटी सेंटर कह लें, ये एक स्कूल। तो हमने कम्युनिटी सेंटर के एमिनिटीज़ के जितनी भी प्लॉट्स हैं वो हर ब्लॉक में मेंशन किए हैं। पार्क्स अलग हैं, आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीन, ये सारे जितने भी ये पार्क्स हैं सही, वो आपको ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा क्लब हाउसेस, कम्युनिटी सेंटर, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, ये हॉकी ग्राउंड है, फिर आपका टेनिस के लिए कोर्ट्स अलग से हैं, बास्केटबॉल के लिए कोर्ट्स अलग से हैं, क्रिकेट स्टेडियम भी है यहाँ पे, ये रहेगा ठीक है। इसमें एक पावर प्लांट भी है पीछे, अपना पावर प्लांट, फुल पावर प्लांट हमारा अपना है वो पीछे, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या, हर चीज़ आपको अंदर ही मिलेगी, हर चीज़ आपको अंदर मिलेगी। 1065 एकड़ जो है छोटी जगह नहीं होती, बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ी, तो सारी सहूलियात हमने सोसाइटी के अंदर ही मुहैया कर दी। ये हमारा मेन बुलेवर्ड है जो कि कमर्शियल एरिया है, सही, सारी आपको कमर्शियल एक्टिविटीज आपको यहाँ मिलेगी या फेज टू में उस जगह पे मिलेगी, वो जो बीच में आपको एक कॉरिडोर सा जो नजर आ रहा है, ठीक हो गया सर। ये हमारे प्रोजेक्ट की चीज़ें थी। सबसे बड़ी चीज़ हमारे प्रोजेक्ट में जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है हर गली भी, जो छोटी से छोटी गली भी, वो 40 फीट से कम नहीं है, 40 फीट और अबव की, 40 फीट तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ी है, कि आराम से दो गाड़ियाँ पार्क भी हो सके और बीच में से गाड़ी जाने की जगह भी रहे, सही होगा सही। ये है टोटल प्रोजेक्ट हमारा, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को अभी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो मैं अपने नाज़रीन को बोलूँगा आप बुक करवाएं। अच्छा, बुकिंग के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे पास बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री रह गई है, कमर्शियल का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कमर्शियल इन्वेंट्री खत्म हो चुकी है, 10 मरला भी मेरे पास अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया है, बाकी 3.2 है, 5 मरला जो है वो भी बहुत लिमिटेड सी क्वांटिटी रह गई है मेरे पास रेजिडेंशियल में, कमर्शियल तो बिल्कुल ही खत्म है, ठीक है। 10 मरला भी बिल्कुल खत्म है रेजिडेंशियल का, बाकी 3.2 है, 7 है, 14 है, ये क्वांटिटी मेरे पास रह गई, लेकिन 5 मरला की भी लिमिटेड क्वांटिटी है, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत मेहरबानी, थैंक यू, ओके अल्लाह।